अगर आप बस ये एक काम करें तो आपकी सभी पुरानी बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ये शरीर को बनाने वाला यह सृष्टा आपके अंदर है। जिसने पूरा शरीर बनाया है, क्या वो एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता? हमने बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके हजारों लोगों को उस समस्या से बाहर निकाला है। अगर हम बीमारी और इलाज की बात करें तो आध्यात्मिकता और भौतिक शरीर में क्या संबंध है? जरूरी नहीं कि बीमारियों से बचे रहना खुशहाली है। सेहत जरूरी है, पर सेहत खुशहाली नहीं है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जब आप अपने वजूद के हर पहलू में अच्छा महसूस करते हैं, इसे खुशहाली कहते हैं। खुशहाली यानी अपने अंदर और आसपास की हर चीज के साथ तालमेल में होना। इसका मतलब है जीवन की संपूर्णता। खुशहाली यानी जीवंत होकर जीना, न कि मन को बिजी रखना। सेहत खुशहाली का बस एक हिस्सा है। खुशहाली के लिए सेहत एक जरूरी हिस्सा है, पर सब कुछ नहीं है। हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है, यानी जब आप संपूर्णता महसूस करते हैं तब आप स्वस्थ होते हैं, तो उस हिसाब से सेहत खुशहाली है। पर आजकल सेहत को जिस तरीके से देखा जा रहा है, बस शारीरिक सेहत को खुशहाली माना जा रहा है। यानी आपको बस डॉक्टर द्वारा दिए गए टेस्ट पास करने होंगे, तो उस अर्थ में ये संपूर्ण खुशहाली नहीं है, पर यह खुशहाली का एक जरूरी हिस्सा है। शारीरिक सेहत के बिना खुशहाली महसूस करना कठिन है। जैसे मेडिकल फिजियोलॉजी है, वैसे योग की फिजियोलॉजी है। हम शरीर को 5 परतों या लेयर्स के रूप में देखते हैं। पहला भौतिक शरीर है, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है भोजन का शरीर। बाहरी शरीर बस हमारे द्वारा खाए गए भोजन या धरती का एक टुकड़ा है। शरीर की अगली परत है मनोमय कोश, जिसका शाब्दिक अर्थ है मानसिक शरीर। तो योग में मन को किसी एक स्थान पर स्थित मौजूद नहीं माना जाता है। पूरे शरीर में बुद्धि है और पूरे शरीर की हर कोशिका की अपनी याददाश्त होती है। हम कम से कम ये जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा से भी और अपने अनुभव से भी, कि हमारे शरीर की हर कोशिका को याद है कि हमारे पूर्वजों के साथ 1,000 साल या 10 लाख साल पहले क्या हुआ था। हर कोशिका में विशाल यादें और बुद्धि है। तो एक मानसिक शरीर होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है, पर ये दो चीजें खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक अच्छी पावर ना मिले। तो शरीर की तीसरी परत को प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर कहा जाता है। इस ऊर्जा शरीर के बारे में अनुभव पर आधारित विशाल ज्ञान मौजूद है। ये प्राणमय कोश है। 72,000 नाड़ियां या मार्ग होते हैं जो एक खास तरीके से मौजूद हैं। इन चीजों के बारे में पूर्ण और गहरा ज्ञान है। उन सभी चीजों पर महारत पाने के लिए और अपने अनुभव और खुशहाली पर असर डालने के लिए। खास तौर पर अगर बात सिर्फ सेहत की करें, तो अगर किसी का प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर पूरी तरीके से संतुलित और जीवंत हो, तो भौतिक और मानसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। भौतिक और मानसिक शरीर में रोग की कोई संभावना ही नहीं होगी। ऊर्जा शरीर को तालमेल में लाना, ऊर्जा शरीर के दो हिस्सों को संतुलित करना, जिन्हें ईड़ा और पिंगला कहते हैं, और उन्हें जीवंत रखना, अगर ये किया जाए तो साफ पता चल जाएगा कि जो भी पुरानी बीमारियां हैं, चाहे वो बाहरी शरीर में हों या मन में हों, वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। हम ऐसे हजारों लोग दिखा सकते हैं जो बीमारियों के साथ आए थे, पर हमने उन बीमारियों का इलाज नहीं किया। हमने बस उनके ऊर्जा शरीर को जीवंत और संतुलित बनाने में उनकी मदद की। देखिए, इसे देखने के कई तरीके हैं। आइए इसे ऐसे देखते हैं। इस शरीर को बनाने वाला हमारे अंदर है ना? इस शरीर को बनाने वाला या सृष्टा आपके अंदर है, तो मरम्मत करवाने के लिए आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मैकेनिक के पास?
अगर आप निर्माता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लोकल मैकेनिक के चक्कर लगाते रहेंगे, वरना आप स्वाभाविक रूप से सृष्टा के पास ही जाएंगे। इतना बड़ा शरीर बनाने वाला क्या एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, अगर आप उस तक पहुंच पाए तो। हमने कितने सारे लोगों की दमा की स्थिति को ठीक कर लेने में बड़ी आसानी से उनकी मदद की है। भारत के शहरी इलाकों में सांस की तकलीफ बहुत आम है, हमने हजारों लोगों को उससे बाहर निकाला है। दवा से इलाज करके नहीं, बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके। अगर आप खुद में काफी गहरे उतर जाएं, तो जिसने ये शरीर बनाया है वो बुद्धि और वो ऊर्जा जिसने ये शरीर बनाया है यहीं हमारे अंदर मौजूद है। हम आपको उस बुद्धि तक पहुंचने के तरीके सिखा सकते हैं। जो इनर इंजीनियरिंग हम दुनिया को सिखा रहे हैं वो बस यही है, एक सरल तरीका जिससे सभी अपने अंदर मुड़कर उस ऊर्जा तक पहुंच पाए। ये कोई धर्म नहीं है, ना फिलॉसफी है, ये कोई सीख भी नहीं है। इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ टर्निंग इनवर्ड। ये अंदर मुड़ने की एक तकनीक है, खुशहाली की तकनीक।